पौड़ी को त्रिशूल पार्क की सौगात मिली है। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान, विधायक राजकुमार पौरी और नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बैनाम की अध्यक्षता में आज पार्क की भूमि किया गया। जिलाधिकारी पौड़ी ने बताया कि यह पार्क आस्था से जुड़ा पार्क होगा। इस त्रिशूल की लंबाई 72 फीट होगी। उन्होंने बताया यहाँ से हिमालय के भव्य दर्शन भी यहाँ आने वाले लोगों कर सकेंगे। विधायक राजकुमार पौरी ने बताया त्रिशूल पार्क के बनने से यहाँ के छोटे बच्चों के लिए भी सुविधा उपलब्ध होगी और यह पार्क पौड़ी शहर के बीचों बीच बनाया जा रहा है, जिसकी देखरेख भी की जाएगी। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। जी, ये बहुत अच्छी पहल है और सरकार ने जो पहल की है बहुत अच्छी की है, क्योंकि हम सब लोग सनातन धर्म को, हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, देवी देवताओं में आस्था रखते हैं और शंकर जी हमारे उत्तराखंड के देवता माने जाते हैं, पहाड़ के देवता माने जाते हैं। तो उनके साथ जो त्रिशूल एक शक्ति का प्रतीक है, उसको यहाँ पर स्थापित किया जाना है और उसके लिए ये जगह जो है सरकार द्वारा और हमारे राजस्व विभाग द्वारा तय की गई है। यहाँ पर आज उसका जो है भूमि पूजन हुआ है, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर अगर बनता है तो अच्छा लगेगा, क्योंकि पौड़ी में जो है, पौड़ी शंकर जी की धरती है, ऊपर किंकालेश्वर का मंदिर है, भले वहाँ पे जगह न होने की वजह से यहाँ पर ये जगह चिन्हित की गई है, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पर पर्यटक भी आएंगे, लोग आएंगे। बहुत बड़ी विशेषता ये कि यहाँ से हमारी सारी चोटियाँ दिखती है और उसमें भगवान केदारनाथ जी की चोटी भी हमें यहाँ से दृश्यमान होती है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने पौड़ी की सांस्कृतिक धरोहर और उससे रिलेटेड आस्पेक्ट्स को हाईलाइट करने के लिए ट्राइडेंट पार्क यहाँ पे प्रपोज़ किया था और ये आज उसका भूमि पूजन का कार्य किया गया और शीघ्र ही हमारे शहर में एक नया आकर्षण या नया एक पॉइंट मिलने जा रहा है।